हेलो एंड वेलकम टू ऑल रूम किचन डॉट कॉम। मैं हूं सुमित हिरानंदानी। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बढ़िया प्रोजेक्ट पुणे के पुनावले लोकेशन से, जहां पे एक्सक्लूसिव एंड स्पेशियस 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको 752 स्क्वायर फीट कारपेट वाले स्पेशियस 2 BHK फ्लैट्स मिल जाते हैं, जिनका कोटेशन प्राइस 71 लाख ऑल इंक्लूसिव रखा गया है। एंड इनिशियल कुछ बुकिंग्स के लिए यहाँ पे आपको स्पेशल डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए क्विकली प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेंगे। 4 एकर्स के ग्रैंड फ्रीहोल्ड लैंड पार्सल पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कोई भी लिटिगेशन नहीं है। 4 में से 2 टावर ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, उनका पोजीशन अभी नियरिंग में है, जहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री अभी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। करंटली यहाँ पे नेक्स्ट 2 टावर्स को लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पे आपको स्पेशियस 752 स्क्वायर फीट वाले 2 BHK फ्लैट देखने को मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो 2 टावर्स अभी लॉन्च किए गए, इसके अगर मैं नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करूँ तो बेसमेंट एंड ग्राउंड पे आपको कवर्ड कार पार्किंग्स दी जाती है, उसके ऊपर 16 रेसिडेंशियल फ्लोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पर फ्लोर आपको 8 फ्लैट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, 3 लिफ्ट्स की अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एम्प्टीज वाइज बताऊँ तो सारी की सारी एम्प्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। पोजीशन आपको दिसंबर 2026 में इसका डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड लोकेशन वाइज जैसे मैंने आपको बताया, ये पुनावले लोकेशन में आता है एंड पुनावले के पीसफुल लोकेलिटी में आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है विद ताथौड़े हिंजेवाड़ी एज वेल एज पुणे मुंबई हाईवे के साथ भी आपको बढ़िया कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। एंड बेस्ट बात है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आपको वॉकेबल डिस्टेंस पे स्कूल्स के आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं एंड डेली नीड्स की सारी चीज़ें आपको वॉकेबल डिस्टेंस पे ही देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग साइजिंग मैंने जैसे आपको बताया, 2 BHK 752 कारपेट का 71 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग रखी गई है एंड प्राइजेस नेगोशिएबल है। हमारी प्रॉपर्टी कंसल्टिंग सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को साइट विजिट करने के लिए जरूर है। चलिए क्विकली सैंपल फ्लैट का टूर कर लेते हैं। तो चलिए क्विकली सैंपल फ्लैट का टूर कर लेंगे। 752 स्क्वायर फीट कारपेट वाला 2 BHK का सैंपल यहाँ पे रेडी है। आपको हर एक फ्लैट के बाहर डेडिकेटेड आंगन स्पेस भी हर एक फ्लैट के पास देखने को मिल जाता है। और जैसे आप फ्लैट के पास में आते हो, आपको ब्रांडेड कंपनी का वीडियो डोर फोन कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। डोर्स आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके के आपको 8 फीट हाइट वाले ग्रैंड डोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसके साथ जो मेन डोर का लॉक एंड हैंडल है, ये आपको ब्रांडेड क्यूबा कंपनी के देखने को मिल जाते हैं। मेन डोर से आप जैसे ही अंदर आते हो, आपको यहाँ पे देख लीजिए एल शेप में कुछ इस तरीके के एंट्रेंस लॉबी एरियाज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अगर मैं यूटिलाइजेशन की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर वॉल पे आप डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स रख सकते हो, ताकि जो भी विजिटर्स आपके घर के मेन डोर पे आए, उन्हें एक डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स का यहाँ पे एक लुक एंड फील मिल जाए। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप कुछ जो है आपका शू रैक का अरेंजमेंट कर सकते हो, आपके फर्नीचर यूनिट के हिसाब से, उस हिसाब से आपका पूरा का पूरा शू रैक इस पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाएगा। और ये पर्टिकुलर सेक्शन में आप एक सिट आउट एरिया क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप प्रॉपरली बैठ के शू लेसेस वगैरह या फिर आपके जूते वगैरह आराम से पहन सकते हो। उस हिसाब से आप आपके एंट्रेंस लॉबी का डिज़ाइन यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हो। आज इस तरफ आप जैसे ही अंदर आते हो, आपको मिल जाता है रेक्टेंगुलर शेप का ह्यूमंगस लिविंग डाइनिंग एरिया, जिसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो लगभग 18x11.1 साइज़ का बढ़िया सा आपको यहाँ पे लिविंग डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। तो इन पर्टिकुलर 2 BHK फ्लैट्स की सबसे बेस्ट बात यही है कि यहाँ पे आपको जो है स्प्रेड आउट लिविंग डाइनिंग एरियाज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आप लिविंग पोर्शन के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप डाइनिंग के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। नीचे आप एक बार टाइल्स देख लीजिए, 4x2 साइज़ की डिज़ाइनर टाइल्स आपको एंटायर फ्लैट में यहाँ पे डेवलपर्स करके दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ लिविंग पोर्शन में, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे 3-सीटर 4-सीटर का सोफ़ा रख सकते हो, अगेन यहाँ पे 2-सीटर का सोफ़ा रख सकते हो, बीच में आप स्पेस रख दीजिए बाहर बालकनी को एक्सेस करने के लिए, एंड अगेन यहाँ पे आप 3-सीटर का आपका सोफ़ा रख सकते हो, बीच में आपका सेंटर टेबल आ जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर वॉल पे आप बढ़िया सा ग्रैंड वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट इंस्टॉल कर सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पे आपको पॉइंट्स वगैरह डेवलपर्स करके दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप आपके लिविंग पोर्शन को डिज़ाइन कर सकते हो एंड ये पर्टिकुलर सेक्शन को आप डाइनिंग पोर्शन के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। बड़े आराम से आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका 6-सीटर का स्पेशियस डाइनिंग पोर्शन आप यहाँ पे रख सकते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। एंड जो ब्रांडेड वीडियो डोर फोन आपको दिया जाता है, वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको फिक्स करके डेवलपर्स दे देते हैं। बेस्ट बात है, लिविंग के साथ आपको अटैच्ड बालकनी भी देखने को मिल जाती है। आइए क्विकली बालकनी पोर्शन को एक्सेस करेंगे। स्लाइडिंग डोर से आप जैसे ही बाहर की तरफ आते हो, ये आ जाता है आपका 10x6 साइज़ का एक अच्छे साइज़ का आपका बालकनी पोर्शन। नीचे एंटी स्किड टाइल्स आपको कुछ इस तरीके की दी जाएगी, प्रॉपरली 3 साइड कवर्ड आपको बालकनीज मिलती है एंड इस तरीके के रेलिंग की अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो बाहर का प्रॉपर व्यू वेंटिलेशन आप आपके बालकनी पोर्शन में खड़े रह के एंजॉय कर पाते हो, प्लस आपको एक स्विच बोर्ड की अरेंजमेंट भी डेवलपर्स यहाँ पे करके दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ। किचन एरियाज भी देख लीजिएगा, आपको काफ़ी स्पेशियस किचन एरियाज इन पर्टिकुलर फ्लैट्स के साथ दिए जाते हैं। एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ आपको यहाँ पे किचन एरियाज दिए जाते हैं
एंड उस तरफ आपको ड्राई एंड यूटिलिटी एरिया भी दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ अरेंजमेंट की, तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है डबल डोर का रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करने के लिए, उस हिसाब से आपका फ्रिज यहाँ पे आ जाएगा। ये सर्विस प्लेटफॉर्म आ जाएगा जहाँ पे आपका मिक्सर ओवन ग्राइंडर आप प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ये पर्टिकुलर जो आपका सेक्शन है, प्लेटफॉर्म है, ये आपको आ जाता है कुकिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से। तो आपका कुकटॉप यहाँ पे आ जाएगा एंड ऊपर की तरफ आपको चिमनी यूनिट इंस्टॉल करना है तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे आप किचन ट्रॉलीज लगा सकते हो, ऊपर ओवरहेड कैबिनेट्स लगा सकते हो, तो काफ़ी इनफ स्पेस आपको स्टोरेज के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपका एक सिंक पोर्शन आ जाता है जिसके साथ आपको एक वाटर कनेक्शन अलग से मिल जाएगा, तो सिंक पोर्शन के ऊपर की तरफ आप वाटर प्योरीफायर प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इस तरफ आपका यूटिलिटी एरिया आ जाता है जो काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है, तो बड़े आराम से आप एक साइड पर आपका वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हो, दूसरे साइड पे आप डिश वॉशर चाहें तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे एक और सिंक पोर्शन इंस्टॉल करना है तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। उस हिसाब से आपको इनफ स्पेस आपके यूटिलिटी एरियाज में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्लस आप यहाँ पे देख लीजिए वेंटिलेशन के लिए आपको काफ़ी बड़ी सी विंडोज आपके किचन एरिया के साथ दी जाती है। एंड एग्जॉस्ट फैन अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाती है। प्लस ये एक स्पेस आप एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, तो आप चाहें तो यहाँ पे बड़ा सा शेल्फ बना सकते हैं जहाँ पे आप क्रॉकरी यूनिट आपके पास एक्स्ट्रा है उस हिसाब से आप यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट्स आपके जो शेल्फ पोर्शन में लगा सकते हो, या फिर इस पर्टिकुलर स्पेस को आप मंदिर स्पेस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जिस भी तरीके से आपको यहाँ पे इस स्पेस का यूटिलाइजेशन करना है वो आप बड़े आराम से कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ, आ जाइए। इस तरफ हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं यह आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। आइए इसे क्विकली चेक कर लेंगे। बढ़िया से डिज़ाइनर टाइल्स के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे आपको कॉमन वॉशरूम एरियाज देखने को मिल जाते हैं। प्लेटफॉर्म माउंटेड आप देख लीजिए, यहाँ पे डिज़ाइनर बेसिन स्पेस, ये वॉल माउंटेड कमोड स्पेस, और ये आ जाता है आपका बेथिंग स्पेस। कलर कॉम्बिनेशन की टाइल्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पे यूज़ की गई है। एंड अगर मैं बात करूँ सी पी वेयर सैनिटरी वेयर की, तो जैगुआर कंपनी के प्रीमियम सीरीज के आपको सी पी वेयर सैनिटरी वेयर दिए जाते हैं। इस तरफ आ जाता है आपका लगभग 11x10 साइज का स्पेशियस किड्स बेडरूम, प्लस आपको यहाँ पे अलग से वार्डरोब स्पेस मिल जाती है, तो आपका वार्डरोब आपके किड्स के लिए अंदर की तरफ बना सकते हो। एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन आप आपके किड्स के लिए बेड के लिए यूज़ कर सकते हो, स्टडी टेबल के लिए यूज़ कर सकते हो, टॉयज सेक्शन के लिए क्रिएट सकते हो। एंड डिजिटल बोर्ड वगैरह आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी इनफ स्पेस आपके किड्स बेडरूम में देखने को मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ, आ जाइए। इस तरफ आ जाता है आपका मास्टर बेडरूम 11.3x10 साइज़ का, ये आपका आ जाता है मास्टर बेडरूम। वेंटिलेशन के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे आपको विंडोज़ दी हुई है। एंड अगेन इस पर्टिकुलर बेडरूम में भी आपको अलग से वार्डरोब स्पेस मिल जाती है, तो आपका वार्डरोब आप यहाँ पे प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं फर्नीचर यूनिट की बात करूँ, तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर बनाना है प्रॉपरली वार्डरोब इंस्टॉल करने, तो यहाँ पे आप हर वार्डरोब बनाइए विथ ड्रेसर यूनिट। यहाँ पे आप लगा दीजिए आपका अच्छे साइज़ का क्वीन साइज़ का बेड, एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप बनाइए हिज वार्डरोब। तो हर वार्डरोब हिज वार्डरोब आप अलग अलग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, एंड आपका बेड भी आप किंग साइज़ या क्वीन साइज़ का प्रॉपरली लगा सकते हो। वेंटिलेशन के लिए आपको काफ़ी अच्छी सी विंडो इस तरफ मिल जाती है। एंड इस तरफ आ जाता है आपका अटैच्ड मास्टर वॉशरूम। इस तरीके का आपका प्लेटफॉर्म माउंटेड आपको बेसिन मिल जाएगा, ये वॉल माउंटेड कमोड स्पेस, और ये आ जाता है आपका बेथिंग स्पेस। कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स भी देख लीजिए, डिज़ाइनर कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। एंड नीचे आपको एंटी स्किड टाइल्स भी दिए जाते हैं। सी पी वेयर सैनिटरी वेयर की अगर मैं बात करूँ, तो प्रीमियम सीरीज जैगुआर कंपनी की आपको सी पी वेयर सैनिटरी वेयर दिए जाते हैं। एक बार आप डोर्स के हाइट की भी यहाँ पे नोटिस ले लीजिए, प्रॉपरली 8 फीट हाइट के डोर्स आपको इन पर्टिकुलर फ्लैट्स में दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको 752 स्क्वायर फीट कारपेट वाला 2 BHK फ्लैट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका पोजीशन आपको दिसंबर 2026 में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सैम्पल फ्लैट पसंद आया होगा। अगर आप 750 स्क्वायर फीट कारपेट वाले 2 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं बिलो 70 लाख के बजट में, तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप चेक करने के लिए जरूर है। इसकी इंक्वायरी एंड साइट विजिट करने के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। साइट विजिट करने के लिए जरूर है। हमारी प्रॉपर्टी कंसल्टिंग सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमें बेफिक्र होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक जरूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।